डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजू हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे, टॉपिक में चल रहा था अपना केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, जिसमें अपन ने पहले पॉइंट बात कर ली थी अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रिया, उसी में ओएच बॉन्ड विदलन की जो अभिक्रिया चल रही थी उसी में अपन नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे धात्विक हाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया। सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा अपना, धात्विक हाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया, धात्विक हाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया। इसमें होता क्या है डियर स्टूडेंट, एल्कोहल जो होते हैं उन एल्कोहलों की अभिक्रिया मेटेलिक हाइड्राइड यानी कि धात्विक हाइड्राइडों के साथ करवाई जाती है, तो धात्विक एल्कोक्साइडों का निर्माण हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो देखें यहां से क्या होता है, एग्जांपल के रूप में मैंने लिखा यहां से, ये आपका एल्कोहल है आपके पास CH3CH2OH, इसकी अभिक्रिया आपने धात्विक हाइड्राइड के रूप में मैंने यहां पे NaH, Na यहां पे कौन है मेटल है और मेटल पे हाइड्रोजन जो जुड़ा है वो कौन सी फॉर्म में जुड़ा हुआ है, हाइड्राइड H माइनस में होते हैं हाइड्राइड, यानी इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड, या इसको मैं बोल सकता हूं धात्विक हाइड्राइड, यानी एल्कोहलों की अभिक्रिया मेटेलिक हाइड्राइड के साथ करवा रहे हो, तो आपको ये तो क्लियर हो गया, यहां से बॉन्ड का डिस्कनेक्शन होगा, OH बॉन्ड टूटेगा, इस H पे क्या आएगा प्लस, इस O पे क्या आएगा माइनस, और ये धात्विक हाइड्राइड मेटल पे हमेशा क्या आता है पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव, तो देखो यहां से H पॉजिटिव OH और ये H नेगेटिव, तो H पॉजिटिव H नेगेटिव के रूप में ये क्या बाहर निकल जाएगी, यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अब यहां पे देखो O- में कौन जुड़ जाएगा, यहां पे Na, तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका CH3CH2ONa, यानी कि ये सोडियम है और एल्किल ग्रुप पर ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो मैंने बताया था एल्कोक्साइड, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम एल्कोक्साइड, यानी कि ये कौन सा मेटल है सोडियम, एल्किल ग्रुप पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो एल्कोक्साइड, तो नाम क्या हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड, और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगी बाहर निकल जाती है। तो यहां से देखो एच OH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है, H प्लस के रूप में बाहर निकला हुआ है रिएक्शन के अंदर, तो यहां पर कौन सी एल्कोहल ने अपनी प्रवृत्ति कौन सी शुरू की है एसिड, तो यहां पर क्लियर है कि एल्कोहलों की अभिक्रिया धात्विक हाइड्राइडों के साथ करवाई जाती है, तो धात्विक एल्कोक्साइडों का निर्माण हो जाता है एवं हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ये अभिक्रिया जो है वो एल्कोहलों की कौन सी प्रवृत्ति को शुरू करती है, अम्लीय प्रवृत्ति को शुरू करती है। तो इसी में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे एस्टरीकरण अभिक्रिया। अब एस्टरीकरण में क्या होता है, एस्टरीकरण अभिक्रिया, अब एस्टरीकरण जो अभिक्रिया होती है वो किसके मध्य होती है, आपने पढ़ा भी है 11th क्लास के अंदर, एस्टरीकरण में क्या होता है, एक तो क्या होता है अमल होता है और दूसरा क्या होता है एल्कोहल, यानी अमल और एल्कोहलों के मध्य यदि आप अभिक्रिया को संपन्न करवाते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपको पता है वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता था और एस्टर का निर्माण हो जाता था, तो यानी एस्टर फॉर्मेशन होने के कारण इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ये जो एस्टरीकरण अभिक्रिया है ये भी कौन से बॉन्ड की रिएक्शन होती है, OH बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन होती है, यहां से भी H प्लस जो है वो प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलता है एल्कोहल से, इस कारण ये अपनी अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो देखिए यहां से एस्टरीकरण में क्या होता है, ब्रैकेट में लिख सकता हूं कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एल्कोहलों के मध्य संपन्न होने वाली अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एल्कोहलों के मध्य संपन्न होने वाली जो अभिक्रियाएं होती है उन्हें क्या कहा जाता है, एस्टरीकरण अभिक्रिया।
अब देखो यहां से होता क्या है एस्टरीकरण में, मैंने यहां पे एल्कोहल लिया CH3CH2OH, ये आपका एल्कोहल है। इस एल्कोहल की रिएक्शन मैंने एसिड के साथ करवाई, एसिड के रूप में मैंने यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिया CH3C OH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है आपका एथिल एल, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी कंसंट्रेट H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होगी। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये क्या है आपका एथिल एल्कोहल या एथिनोल बोल सकता हूं। तो यानी कि क्लियर हो गया, यहां से बॉन्ड का क्लीवेज कौन सा होगा, OH बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव, यहां पे क्या आएगा नेगेटिव। अब यहां से एसिड का कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना है, या कार्बोनिल बॉन्ड, कार्बोनिल बॉन्ड पर हमें से कराना है, यहां पे पॉजिटिव, OH भी क्या आएगा नेगेटिव। तो देखो यहां से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, और इस O- के ऊपर कौन जुड़ जाएगा, ये प्लस। तो देखिए यहां से CH3CH2, ये O- आगे कौन है, O- माइनस, यहां से किस पे जुड़ जाएगा, C पे। देखो ये C डबल बॉन्ड O CH3 H प्लस OH माइनस, इसके रूप में ये बाहर निकल जाएगा H। तो यानी कि देखो ये वाला जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड OO दोनों साइड में फ्री, इसको बोलते हैं एस्टर। यहां से क्या बन जाएगा, ये एस्टर बन जाएगा, और एस्टर बनने के कारण इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो क्या हो जाएगा, देखो एस्टर जो है उस एस्टर का आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं, एल्किल एल्केनो 8 के रूप में करते हैं। तो यहां से ये वाला पोर्शन एल्किल के रूप में क्या हो जाएगा, एथिल, और ये एल्केनो 8, दो कार्बन का मतलब क्या है यहां पे एथ, सिंगल बॉन्डेड है तो एन, और एस्टर का सफिक्स क्या लगाएंगे यहां पे ओए, तो एथेनो 8। तो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इसका एथिल एथेनो 8 का निर्माण हो जाएगा। चूंकि इस अभिक्रिया में एस्टर बना है, इस कारण ये जो अभिक्रिया वो क्या कहलाती है, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यहां से H+ आयन प्रोटॉन के रूप में निष्कासित हुआ है, इस कारण ये अभिक्रिया कौन सी प्रवृत्ति को शुरू करती है, एसिडिक प्रवृत्ति को शुरू करती है। तो इसी में देखो एसिडीकरण सेकंड एग्जांपल के रूप में आप एसिडीकरण भी पढ़ सकते हैं, यहां पे एसिडीकरण, एसिडीकरण के थ्रू भी आप एस्टर फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे होगा, तो देखो ये आपका एल्कोहल है CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई एसिड क्लोराइड के साथ CL C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहां से आपको पता है PY का मतलब होता है प्रीडीन, PY का मतलब यहां पे क्या है प्रीडीन, प्रीडीन बेस के रूप में व्यवहार करता है, प्रीडीन चार्ज होता है, तुरंत जो HCl का जो अणु होता है उस HCl को तुरंत प्रीडीन क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया, अवशोषित कर लेती है। तो यहां से देखो आपको पता है यहां से OH बॉन्ड की रिएक्शन है, तो यहां से टूटेगा H+, यहां पे माइनस, यहां से टूटा ये Cl पे क्या आएगा माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस। तो कुल मिला के आपको पता है यहां से HCl है वो बाहर निकल जाएगा, तो ये O- इसके ऊपर जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका CH3CH2OC डबल बॉन्ड OCH3, आउट कौन हो जाएगा यहां से HCl। तो इस ये भी क्या है आपका एस्टर, तो कह सकता हूं ये भी क्या है एक एस्टरीकरण अभिक्रिया। इसी प्रकार से मैंने एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाई CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन मैंने एनहाइड्राइड के साथ करवाई CH3C डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका नाम क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये आपका एल्कोहल। अब यहां से बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यहां से क्या आएगा H प्लस O माइनस, यहां से टूट जाएगा, यहां पे क्या आएगा माइनस, कार्बन पे क्या आएगा प्लस। तो देखिए H प्लस O माइनस, ये क्या बाहर निकल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस पे जुड़ जाएगा एसिटिक एसिड के रूप में, क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा CH3C डबल OH, O माइनस पे क्या जुड़ जाएगा आपका भाई, ये प्लस जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा H का। देखिए CH3 ऐसे CH2, ये O C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन जाएगा ये H। तो यानी कि तीनों ही अभिक्रियाओं के अंदर आपने किसका फॉर्मेशन किया है, एस्टर का फॉर्मेशन किया है।
और एस्टर का जब आपने फॉर्मेशन किया है तो तीनों ही अभिक्रियाओं के अंदर कौन से बॉन्ड का क्लीवेज किया है आपने? OH बंध विदलन किया। अब यहां से OH बंध विदलन में प्रोटॉन निष्कासित होने के कारण ये जो तीनों ही अभिक्रिया है वो अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे यहां पे CH2CH2OH। ये तो आपका एल्कोहल, और ऐसे ही मैंने लिखा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्लों के रूप में मैंने लिखा यहां पे एस सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, फिर मैंने लिखा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, फिर मैंने लिखा सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एच सी डबल ओ एच, फिर मैंने लिखा सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एस थ्री सी डबल ओ एच। तो देखिए एस्टरीकरण अभिक्रिया में अम्लीयता की तुलना की जा रही है, एस्टरीकरण अभिक्रिया में अम्लीयता का क्रम एस्टरीकरण अभिक्रिया में अम्लीयता का जो क्रम है उसमें क्या बताया कि एस्टरीकरण जो है क्या होती है, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसे होती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब एस्टरीकरण में जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल जो एल्कोहल है इसमें जैसे जैसे आपके एल्किल समूह की साइज बढ़ती जाएगी तो एस्टरीकरण की जो दर है वो कम होती चली जाएगी। तो देखो यहाँ पे एल्कोहल है, इसमें एल्किल समूह एक, फिर जैसे आगे बढ़ेगी यहाँ साइज बढ़ी, फिर और साइज बढ़ी, फिर यहाँ पे और साइज, जैसे जैसे एल्कोहल में एल्किल समूह की साइज बढ़ जाएगी एस्टरीकरण अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी, कम। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया का क्रम क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा कौन शो करेगा ये वाला और सबसे कम शो करेगा। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल में एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा, एस्टरीकरण अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगा, तो एस्टरीकरण अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता का जो क्रम होगा वो कौन होगा, सबसे ज्यादा ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा। तो ये है आपका एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो इसी में नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ग्रिनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं ग्रिनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो देखो यहां से क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक में ग्रिनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, इसमें होता क्या है कि जो आपका एल्कोहल है उस एल्कोहल की अभिक्रिया ग्रिनार अभिकर्मक
किसका निर्माण हो जाता है, एल्केन फॉर्मेशन हो जाता है, किसका निर्माण हो जाएगा, एल्केन, यानी कि एल्कोहल है आपके पास और उस एल्कोहल की अभिक्रिया आपने किसके साथ करवाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो यहां से OH बॉन्ड का क्लीवेज तो होगा लेकिन फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एल्केन। ये जो अभिक्रिया है वो भी एल्कोहलों की अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाती है, किस प्रकार से यहां से एल्कोहल फॉर्मेशन होता है। देखिए यहां पे मैंने एग्जांपल के रूप में लिखा CH3CH2OH, यहां से मैंने इसकी रिएक्शन करवाई RMGX, ये आपका है ग्रिग्नार्ड अभिक्रम और ये आपका है एल्कोहल। एल्कोहलों की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करवाओगे तो यहां से देखो कैसे टूट जाएगा, R पे क्या आएगा माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस, तो यहां से देखो कैसे टूट जाएगा, ये मैंने बताया OH बॉन्ड की रिएक्शन चल रही थी, ये H पॉजिटिव और यहां पे क्या आएगा नहीं, तो H पॉजिटिव कहां पे जुड़ जाएगा R माइनस, तो ये क्या बन जाएगा आपका RH। आउट कौन हो जाएगा यहां पे, ओ नेगेटिव वाला पार्ट कहां पे जुड़ जाएगा यहां पे, तो ये Mg यहां पे, ये HOC2H RHR के रूप में आपका मेथिल भी हो सकता है, भी सकता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका एल्केन। चूंकि इस अभिक्रिया के अंदर भी देखो OH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है, H+ के रूप में प्रोटॉन निष्कासित हुआ है, इस कारण ये जो वाली अभिक्रिया है वो भी एल्कोहलों की अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाती है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है।